हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन और सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद थे। इस मौके पर कविता जैन ने इनेलो सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बीएसपी जेजेपी गठबंधन टूटने पर भी कहा कि ये तो होना ही था। महागठबंधन होगा भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, सारे दल एकजुट होंगे, लेकिन चुनाव आते आते सब गठबंधन टाइट टाइट फिक्स हो गया और उसी तरह से हरियाणा के अंदर जीत चुनाव से गठबंधन का खेल शुरू हुआ था। कभी इनेलो के साथ, कभी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ, कभी जजपा के साथ, और जिस तरह से ये गठबंधन एक तरह से कठपुतली खेल बन रहा है, मैं समझती हूँ कि आज हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने जो विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी के काम करने की नीयत पर और एक विश्वास जताया है, ये सब उसका परिणाम है। हरियाणा सरकार चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रही है। आचार संहिता लगने के पहले सूबे की मनोहर लाल सरकार जनता को अपने पाले में करने के लिए कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम भी कर रही है। R9 TV के लिए सोनीपत से नितिन अंतिल की रिपोर्ट।